हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे आप सभी? उम्मीद है कि आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। यहाँ कपड़ा वगैरह समेट दी हूँ और देखिए बाहर का मौसम। ये जाली निकल गई है, लगाएंगे हस्बैंड, कल लगा देंगे। और मौसम देखिए कितना अच्छा है। अभी शायद 6:15 बज रहे हैं, तो इस समय तक बहुत तेज़ धूप रहती है। और ये गिलोय को सुखाना है, डंटियों को। देखती हूँ कल इसे किसी जगह पॉलीथीन में रखूँगी, घर में जब काम हो जाएंगे तो फिर इसे सुखाऊँगी। यहाँ है करेले का अचार, अभी इसमें धूप लगना और बाकी है। अभी तो 3-4 दिन अच्छे से धूप लगेगी तब ये खाने लायक होगा, क्योंकि करेला है तो टेस्ट करने में भी थोड़ा सा लगता है कि करूँ ना करूँ इस वजह से। तो इसे भी ढक देते हैं रात भर के लिए, इसे ऐसे ढकना है। तो शाम के काम हो चुके हैं, बर्तन वगैरह धुल गए हैं, थोड़े से कपड़े धो रही हूँ मैं। कपड़े वगैरह धुल जाए तो उसे डालूँगी सूखने के लिए, उसके बाद सब्जी बनाऊँगी, क्योंकि वीडियो वगैरह तो अपलोड कर दी हूँ मैं। और अभी पी रही हूँ ठंडी पानी, एकदम ठंड चिल्ड पानी है। देख सकते हैं कि गिलास में जितना पानी है दिख रहा होगा, यहाँ तक हाफ है। देखिए यहाँ तक ठंड ठंड सी होती है। इतने दिन से इतनी तेज़ गर्मी और पसीना बिल्कुल नहीं होता था, अब जब ह्यूमिडिटी थोड़ी बढ़ रही है बहुत भयंकर पसीना हो रहा है। खैर पसीना होना तो अच्छा होता है। चलिए जब मैं सब्ज़ी बनाऊंगी तो दिखाऊंगी कि क्या बना रही हूँ। कपड़े को थोड़ा ड्रेन करके मैं डाल देती हूँ, क्योंकि धूप में तो डालते नहीं है, क्योंकि कपड़े वगैरह ख़राब हो जाएंगे। मिलती हूँ थोड़ी देर में। बना रही हूँ पनीर की सब्ज़ी, हैदराबादी पनीर आप कह सकते हैं ऐसे। तो कुछ प्याज मैं स्लाइस की हूँ, कुछ शिमला मिर्च स्लाइस की हूँ, कुछ क्यूब में कट की हूँ। प्याज, टमाटर, अदरक, लहसुन, मिर्ची, धनिया पत्ती और पुदीना का मैं पेस्ट बनाऊँगी। पहले प्याज, टमाटर, अदरक, लहसुन, मिर्ची को भून लूँगी, उसके बाद और कुछ खड़े गरम मसाले भी ऐड करूँगी। दिखाती हूँ मैं कैसे बना रही हूँ। पैन यहाँ पर गर्म हो चुकी है और उसमें मैं 1/2 टेबल स्पून ऑयल ऐड की हूँ। आप कोई सी भी ऑयल इसमें ऐड कर सकते हैं, बस थोड़े से प्याज को हमें ब्राउन करने हैं। इन्हें भूनने के बाद हमें पीसना ही है, तो इसमें मैं अदरक लहसुन ऐड कर देती हूँ। यह लहसुन, साथ ही इसमें थोड़ी सी मैं अदरक भी ऐड की हूँ। 3 हरी मिर्ची ली थी तो इसे मैं तोड़ करके डाल रही हूँ ताकि अच्छे से भुने, थोड़ी सी ये ब्राउन हो जाए। फिर उसमें मैं टमाटर ऐड करूँगी, हल्की ब्राउन, बस 1 मिनट तक इसे करनी है। यहाँ पे मसाले मैं ऐड करूँगी तो जिसमें है 1 हरी वाली इलायची, 2 लौंग है, थोड़ी सी ये दालचीनी है और ब्लैक पेपर मैं ऐड कर रही हूँ, कुछ 8 से 10 दाने हैं। और इसी में जावित्री भी है, आप देख सकते हैं कि ये जावित्री छोटे छोटे टुकड़ों में होता है, इसमें मैं ऐड कर देती हूँ। ज़्यादा मसाले हमें नहीं डालने हैं इसमें, थोड़ी सी कसूरी मेथी डाली हूँ ताकि अच्छे से ये भी मसाले में पके। तो इसे मिक्स करते हैं, इसमें 1 टमाटर में कट करके ऐड करती हूँ। यहाँ पे टमाटर ऐड कर दी और ये 1/2 टेबल स्पून साबुत जीरा, क्योंकि पाउडर ख़त्म हुई थी तो साबुत जीरा मैं ऐड कर रही हूँ ताकि इसी में भून के और पिस जाए। और साथ ही यहाँ पर मैं ऐड करूँगी 1 टेबल स्पून जैसी पोस्तुदाना। तो ये है पोस्तुदाना, आप काजू, मगजदाना कुछ भी ऐड कर सकते हैं। थोड़ी सी हम नमक ऐड करेंगे ताकि प्याज और टमाटर सारे मसाले अच्छे से भुने। बस इसे हाई फ्लेम पर हम भुनेंगे और ठंडा करके इसका एक पेस्ट बना लेंगे। तो ये अच्छे से ब्राउन हो चुकी है, यहाँ पर मैं गैस का फ्लेम करती हूँ बंद और इसे होने देती हूँ ठंडा, फिर बनाएंगे इसका हम पेस्ट। इसे ठंडा होने देते हैं और इसे इस वाले चूल्हे पे मैं
रख दी हूँ ताकि ये ठंडी हो जाए। तो हो रही है बारिश, ज़्यादा तेज़ नहीं है, हल्की है, बट मौसम काफ़ी अच्छा, ठंडा सा भी, सूर्य देवता अस्त हुए हैं उधर और मौसम काफ़ी अच्छा है, ठंडा है। मैं बना रही हूँ सब्जियाँ, तो चलिए बनाते हैं सब्जी, क्योंकि प्याज टमाटर हो गई है ठंडी। यहाँ देख सकते हैं पनीर को कट कर लिया इस तरह से, इस पर हल्दी नमक और कश्मीरी लाल मिर्च इस पर अभी मैं डालूंगी, मिक्स करूंगी और थोड़ी सी रोस्ट करूंगी इसे। सबसे पहले यहाँ पर हम ऐड करेंगे कश्मीरी लाल मिर्च, थोड़ी सी हल्दी, इसी में हम ऐड कर देंगे थोड़ी सी नमक, ज़्यादा नहीं ऐड करना है, और इसे हम मिक्स करेंगे। पहले इस मिक्सचर को डालते हैं जार में। तो मसाले थोड़ी सी ग्राइंड हुई, इसमें पुदीना और धनिया डाल देती हूँ। यहाँ मैं धनिया ऐड की हूँ और साथ ही इसमें ऐड कर रही हूँ पुदीना, अब इसे हम ग्राइंड कर लेते हैं। तो यहाँ पे मसाला का पेस्ट बन चुका है, अब हम लोग इस पनीर को हम लोग मिक्स करेंगे अच्छे से, ताकि चारों तरफ से पनीर पे हल्दी और जो लाल मिर्च का पाउडर है, नमक है, अच्छे से मिक्स हो जाए। उसका पैन में करेंगे हम इसे रोस्ट। तो चलिए मिक्स कर दी हूँ, अब करते हैं गैस का फ्लेम ऑन और इसे करते हैं रोस्ट। यहाँ पे मैं दही ली हूँ 3 से 4 टेबल स्पून, इसी में मैं मसाले ऐड करूँगी सूखे, जो है हल्दी पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, ये है धनिया पाउडर, और जीरा नहीं थी तो मैं पीस दी थी इसी में, और ये है 1/2 टेबल स्पून चिकन मसाला, और इसे हम करेंगे मिक्स। तो इसे अच्छे से हम मिक्स कर लेते हैं, चलिए मिक्स हो चुकी है। यहाँ पर हम पनीर को रोस्ट करेंगे अच्छे से, इस तरह से पलट लेंगे ताकि अच्छे से ये ब्राउन हो जाए कलर में। चलिए पहले इसे हम भून लेते हैं अच्छे से पनीर को। पनीर रोस्ट हो चुकी है। यहाँ पैन में मैं डाली हूँ ऑयल 2 टेबल स्पून, साथ ही साथ जीरा भी ऐड करूँगी, और तड़के में जाएगी तेज पत्ता और एक बड़ी वाली इलायची है, इसे डालूँगी। पहले से मैं खोल लेती हूँ, तो इसे मैं तोड़ ली हूँ इस तरह से ताकि उड़े नहीं, और कसूरी मेथी जाएगी इसमें, सूखे वाले जो पत्ते होते हैं वो, थोड़ी सी ये ब्राउन हो जाए तो इसमें हम ऐड करेंगे जो कटे हुए स्लाइस प्याज और शिमला मिर्च है वो, इससे थोड़ा हम ब्राउन करते हैं भून करके। तो प्याज शिमला मिर्च ब्राउन हो चुकी है, तो इसमें मैं ऐड करूंगी जो क्यूब्स में कटे हुए शिमला मिर्च और प्याज है वो, जो पैटर्न्स नहीं खुले हैं वो खुल जाएंगे पकते पकते ही ग्रेवी के साथ में ही, तो इसे भी हम थोड़ा भूनते हैं। साथ ही इसमें हम ऐड करेंगे नमक। तो यहाँ पे मैं नमक ऐड कर रही हूँ प्याज और शिमला मिर्च के हिसाब से, ज़्यादा नहीं ऐड करूँगी, थोड़े से मसाले में भी डालूंगी नमक। तो चलिए इसे थोड़ा सा 2 मिनट तक हम मीडियम फ्लेम पर भूनते हैं। दो मिनट हो चुके हैं इसे भूनते हुए, तो इसमें हम ऐड करेंगे मसाले, तो जो मैं पीस के रखी हूँ ये ऐड करूँगी, उसमें पानी डाल करके भी मैं इसमें अभी ऐड करूंगी। चलिए पानी डाल के इसमें मैं ऐड करती हूँ।
अब इन मसालों को हम भूनेंगे अच्छे से, भून जाएगी तो फिर हम दही में जो मसाले मिक्स किए हैं उसमें ऐड करेंगे। यहाँ पे मैं बटर ऐड की हूँ थोड़ी सी, 1.5 टेबल स्पून। अब हम इसे भूनते हैं। यहाँ पे मसाले भून चुके हैं अच्छे से, तो इसमें अब हम ऐड करेंगे जो ये दही वाले मसाले थे, ये और फ्लेम को करना है लो वरना दही जाएगी फट। इसे मिक्स करेंगे और इसे भी हम मीडियम फ्लेम करेंगे। साथ ही इसमें हम ऐड करेंगे ये पनीर ताकि अच्छे से ये इसके साथ में पके। चलिए इसके साथ में इसे भी पकाते हैं अच्छे से। मुझे लग रही थोड़ी सी नमक जाएगी तो ये 1/2 टीस्पून के राउंड में ऐड की हूँ। चलिए इसे पकाते हैं अभी। यहाँ पे सब्जी हो गई है हमारी डन, तो गैस कट करते हैं फ्लेम बंद और इसे सर्व कर लेते हैं। तो यहाँ हमारी सब्जी बनके रेडी है। इसमें पनीर थोड़ी सी ग्रेट की हूँ, धनिया पुदीना चॉप करके ऐड कर दी थी। तो रेसिपी को ट्राई जरूर कीजिएगा, आपको बहुत पसंद आएगी ये मेरी गारंटी है। आप ट्राई करके कमेंट जरूर कीजिएगा कि कैसी लगी आपको। आटा गूंद चुकी हूँ, बनाऊँगी थोड़ी देर में रोटी, हस्बैंड आ जाएंगे तो ये बर्तन धो लेती हूँ, बस यही काम है और इसको मैं साफ़ कर लेती हूँ। तो किचन वगैरह साफ़ कर दी, बर्तन भी धुल ली हूँ सारे, अब हस्बैंड आएंगे तो रोटियाँ बनेगी। बाहर हो रही है बारिश, देख सकते हैं अच्छा मौसम, ठंडा कर दिया लेकिन फिर भी ह्यूमिडिटी थोड़ी बहुत है, इस वजह से गर्मी लग रही है। तो यहाँ पे मैं बनाई थी हैदराबादी पनीर की सब्जी और रोटी। तो कैसी लगी वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जो नहीं सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुँचे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।